तो फिर सस्पेंशन से प्रैक्टिस सीख के साइड सकते हैं। तो फिर स्टेट सीरीज में अप्लाई कर दूस फॉर अभी बीटीएससी पीटी एग्जाम के लिए, बीएसएससी मेंस एग्जाम के लिए, बिहार दरोगा पीटी और मेंस दोनों एग्जाम के लिए, बिहार सिविल कोड, बिहार पुलिस, मध्य निषेध, रेलवे और अन्य एसएससी स्टेट लेवल के खास करके एग्जाम को लेकर ये सीरीज आपको जो है 50 क्वेश्चन का काफी इम्पोर्टेंट सीरीज होने वाला है। ये 95 शेट नंबर आपको दिया जा रहा है। इसके पहले का भी सेट अगर आपको रिवीजन करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप सभी सेट प्रैक्टिस का पीडीएफ आप वहां ले सकते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी का भी पीडीएफ वहां अवेलेबल है सब्जेक्ट वाइज, तो वो भी आप रिवीजन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का भी रिवीजन आप लगातार अगर करते हैं तो आने वाला हर एक एग्जाम के लिए आपको काफी इम्पोर्टेंट होगा, जो कि हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन को छांट कर आपके लिए यूनिक क्वेश्चन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए 95 नंबर सेट आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले अगर केसीसी के यूट्यूब चैनल पर आप नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ऐसा लगता है वीडियो दूसरे स्टूडेंट के लिए भी यूजफुल लगता है तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत से बहुत क्वेश्चन को ढूंढ कर और लेवल के क्वेश्चन आपके लिए हम ला रहे हैं और दे रहे हैं, और आप इसका लगातार रिवीजन करते रहिए निश्चित तौर पर, तो आगे आने वाले हर एग्जाम में आपको बेनिफिट महसूस निश्चित तौर पर होगा अगर रिवीजन करते हैं आप। तो इसीलिए पीडीएफ भी आप अवेलेबल करवा लीजिएगा जो टेलीग्राम चैनल पर मौजूद है, और टेलीग्राम पर चैनल से जुड़ने के लिए प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो वहां पे लिंक दिया हुआ रहेगा, वहां डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप पीडीएफ का आनंद ले सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, इनमें से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, इसका आंसर देखने के लिए एनालिसिस पर चलेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आपको एनालिसिस हम इसलिए यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे सटीक आंसर इसलिए लगा देते हैं कि आपको रिवीजन और आपका माइंड जो है, आपका नजरिया जो है, इस पर ध्यान आपका जाए और वो चीज याद रहे, आपको याद रखने के लिए हम वो चीज लिमिट रूपों में आपके पास लिखने का प्रयास करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा इसमें पादप हार्मोन नहीं है। तो एड्रेनलिन हार्मोन जो है ऑप्शन नंबर बी, एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो पादप हार्मोन न होके वो एक मानव हार्मोन होता है। एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है उसे इसे ही एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है। एड्रेनलिन हार्मोन को ही एपिनेफ्रिन हार्मोन भी कहा जाता है, और यह एक हार्मोन होता है और दवा भी है जो आंत के कार्य को नियमित भी करता है। क्लियर, विनियमित करता है, आंत के कार्य को विनियमित करने का काम करता है एड्रेनलिन हार्मोन। यह एक दवा के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है और हार्मोन के रूप में भी ऑलरेडी मानव बॉडी में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यह हार्मोन सामान्य रूप से अधिवृक्क ग्रंथियों द्वारा और मेड्यूला ऑब्लॉन्गाटा में न्यूरॉन्स की एक छोटी संख्या द्वारा निर्मित होता है। क्लियर, कहाँ कहाँ से, अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रेनल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि और मेड्यूला ऑब्लॉन्गाटा। मेड्यूला ऑब्लॉन्गाटा मस्तिष्क का हिस्सा होता है, उसके न्यूरॉन्स की एक छोटी सी संख्या के द्वारा यह सेक्रेशन होता है। क्लियर, अब देखते हैं ऑक्सिन हार्मोन, इसकी खोज डार्विन के द्वारा 1880 ईस्वी में किया गया था और यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन होता है। तो ऑक्सिन हार्मोन एक पादप हार्मोन होता है जिसकी खोज डार्विन ने 1880 ईस्वी में किया था। दूसरा चलते हैं जिब्रेलिन हार्मोन, इसकी खोज कुरोशावा के द्वारा 1926 ईस्वी में किया गया था और यह भी एक पादप हार्मोन है जो कि पौधे को लंबा करने के लिए, फूल बनाने के लिए तथा बीजों को अंकुरित करने के लिए उत्तरदायी होता है। एफसीसी एसिड हार्मोन की बात करें तो इसकी खोज कांस एवं एडिकोट के द्वारा तथा बाद में बियरिंग नामक विद्वान के द्वारा 1965 ईस्वी में किया गया था। कांस एवं एडिकोट ने इसकी खोज 1961 ईस्वी में किया था, बाद में बियरिंग नामक विद्वान ने 1965 ईस्वी में इसकी खोज किया था। यह जो होता है एफसीसी एसिड हार्मोन बीज को सुसुप्ता अवस्था को बनाए रखने तथा पुष्पन में बाधा होता है, यानी बीज को अंकुरित होने या नहीं देता है और पुष्पन में बाधा होता है, यानी पुष्प बनने से यह रोकने का काम करता है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व है .. है और अंतिम ज्ञात तत्व .. है, यानी पहला तत्व अष्टक नियम के अनुसार कौन है और अंतिम तत्व कौन है, क्वेश्चन आपसे इसी में पूछा है। क्लियर है, तो पहला तत्व जो है वो है न्यूलैंड के अष्टक नियम के तहत हाइड्रोजन पहला तत्व है और दूसरा तत्व जो है वह अंतिम तत्व जो है वो है थोरियम। अब देख लेते हैं न्यूलैंड के अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम जो है वो आवर्त सारणी के तत्वों को सजाने हेतु न्यूलैंड ने 1863 ईस्वी में अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था। न्यूलैंड ने अपने समय तक के ज्ञात कुल 56 तत्व, क्वेश्चन आपसे भी यहाँ पे ये पूछता है कि न्यूलैंड के समय
कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, तो यही पे हमने लिख दिया है कुल 56 तत्व न्यूलैंड के समय जब अष्टक नियम इन्होंने दिया था 1863 ईस्वी में, उस समय कुल पीरियोडिक टेबल में ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। तो इसके समय में ज्ञात तत्वों की संख्या जो 56 थी उसको भारतीय संगीत के 8 सुर के आधार पर 8-8 तत्वों की श्रेणी में उसके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया था। ये भी आप इम्पोर्टेंट है, बढ़ते क्रम में परमाणु भार के बढ़ते क्रम में इन्होंने व्यवस्थित किया था, जिसमें प्रत्येक 8वां तत्व जो है अपने पहले तत्व के गुणों को अनुसरण करता है। न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व हाइड्रोजन है और अंतिम ज्ञात तत्व थोरियम था। अब देख लेंगे अष्टक नियम के अनुसार तत्व को, पहला है लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसी तरीके से सोडियम है, मैग्नीज है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, ये पोटेशियम है और कैल्शियम है। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा यह नियम जो है अधिकतम कैल्शियम तक के तत्वों तक लागू होता है, यानी अष्टक का नियम जो है जो 8 तत्वों के बाद पुनः फिर से दोहराए जाने वाली बात जो है, यानी कि प्रत्येक 8वां तत्व का गुण जो होगा अपने पहले तत्व, पहले जो 8 तत्व था उसके गुणों के बराबर होगा। यह नियम जो है वो कैल्शियम तक के तत्वों तक ही लागू होता है। कई बार क्वेश्चन ये भी आपसे पूछता है, यह अष्टक नियम जो है वो भारी धातुओं तक लागू नहीं होता है। जो न्यूलैंड का अष्टक नियम जो है वो भारी धातु तक लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का तत्कालिक कारण था कि टीपू द्वारा जो अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं की गई थी उसके लिए चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था सन 1799 ईस्वी में। देखेंगे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध सन 1798-99 में दक्षिण भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदराबाद तक्कन के खिलाफ मैसूर साम्राज्य के बीच एक संघर्ष था। यह आंग्ल मैसूर के हुए युद्धों में चौथी और अंतिम लड़ाई थी। यानी मैसूर युद्ध, कुल मैसूर युद्ध 4 मैसूर युद्ध आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े गए थे, जिसमें सबसे अंतिम और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वो 1798-99 ईस्वी में हुआ था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदराबाद दक्कन के खिलाफ मैसूर साम्राज्य के बीच संघर्ष था। क्लियर है? अंग्रेजों ने मैसूर की राजधानी पर कब्जा कर लिया और इसी युद्ध में टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी। इस युद्ध का तत्कालिक कारण की बात करें तो टीपू सुल्तान द्वारा लॉर्ड वेलेस्ली का सहायक संधि को अस्वीकार करना था। जो लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि को लाया था सन 1798-99 ईस्वी में, उसको अस्वीकार करने का काम किया था, जिस कारण से इसका तत्कालिक कारण बना। सहायक संधि अस्वीकार करने के कारण वेलेस्ली रुष्ट हो गया और टीपू के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो 1769 ईस्वी में हुआ, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1784 ईस्वी में, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1792 ईस्वी में हुआ था और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? प्रत्येक 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। जरा देखिएगा, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 से 3, अब ये क्यों मनाया जाता है जरा इसका भी ध्यान देंगे तो 2 से 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को भोपाल गैस त्रासदी में जान गंवाने वालों की याद में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हो गया था। उन्हीं की याद में 2 से 3 दिसंबर को वह घटना हुई थी, तो उसी को याद करते हुए जो जान गवाए थे उसमें उन्हीं को याद करते हुए प्रत्येक 2 दिसंबर को भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेचूर बिलवाद्री शब्द जो हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया था ये किससे संबंधित है? तो ये केरल की मवेशी से संबंधित है जो कि गाय की एक नस्ल है और सबसे छोटी नस्ल, गाय की सबसे छोटी नस्ल के रूप में प्रसिद्ध है, इसलिए ये समाचार पत्रों में देखा गया है। देखेंगे कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है? तो सबसे ज्यादा स्वच्छ जो बनाए रखता है वो जीवाणु और कवक होता है, ऑप्शन नंबर डी। अब कैसे होता है जरा समझिएगा, जीवाणु और कवक जीव समूह के पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है। क्यों? क्योंकि जीवाणु मृत्युपजीवी होते हैं, यानी मृत जीवों पर निवास करते हैं। कहने का मतलब है जो मृत होते हैं मृतों पर से अपने भोजन को, मृत अवशेषों से अपने भोजन को प्राप्त करता है और जिसके कारण से सड़ने से फैलने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण को यह रोक लेता है, जैसे कि लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु। जबकि कवक जो होता है वो वर्ज पदार्थ, वर्ज मतलब
उत्सर्जित पदार्थ जो होते हैं, मल मूत्र जो होते हैं, उसको अपघटित करके सड़ा गला करके उसको सड़ने गलने से होने वाले प्रदूषण को रोक देता है। यानी सड़ा गला के उसको पूरी तरीका से और वहां से वह भोजन की आपूर्ति कर लेता है, जिसके कारण से प्रदूषण नहीं फैल पाता है। तो स्वच्छ रखने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका जीवाणु और कवक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में स्थित प्रसिद्ध गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में किया गया था? तो गोलघर का निर्माण बारेन हेस्टिंग्स के समय में किया गया था, क्लियर। और ब्रिटिश इंजीनियर कप्तान जॉन गार्स्टीन ने अनाज रखने के लिए, ब्रिटिश फौज के लिए जो अनाज रखा जाता था, उसके लिए एक गोलघर के निर्माण की योजना बनाई थी। आप याद रखिएगा, बारेन हेस्टिंग्स के योजना तैयार किया गया था गोलघर बनाने के लिए, लेकिन इसको ढांचे के रूप में परिवर्तित करने का काम, यानी इसके निर्माण करने के लिए कप्तान जॉन गॉस्टीन को लाया गया था, जो ब्रिटिश फौजियों के लिए अनाज को रखने के लिए, भंडारित करने के लिए एक कोठी के रूप में स्थापित किया गया था, एक अनाज संग्राहक के रूप में स्थापित किया गया था, क्लियर। किसके द्वारा? जॉन गॉस्टीन के द्वारा, लेकिन यह योजना वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा लाया गया था। अब ध्यान दीजिएगा, 20 जनवरी 1784 ईस्वी को कार्य शुरू हुआ गोलघर बनने की, और इसका निर्माण कार्य ब्रिटिश राज में 20 जुलाई 1786 ईस्वी लगा, यानी लगभग दो साल का समय इसको बनने के लिए लग गया था, 1.5 साल का समय लगभग लग गया था। शुरू हुआ 20 जनवरी 1784 ईस्वी को जॉन गॉस्टीन के द्वारा, जो एक डिजाइनर थे, जबकि यह बनकर तैयार हुआ 20 जुलाई 1786 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र C2H4O है, यदि यौगिक का वाष्प घनत्व 44 दिया हुआ है तो उसका अनुसूत्र निकालना है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपको दिया हुआ क्या दिया हुआ है? मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? C2H4O दिया हुआ है मूलानुपाती सूत्र, और वाष्प घनत्व कितना दिया हुआ है? वाष्प घनत्व आपको दिया हुआ है 44। आप निकालिएगा क्या? तो आपको निकालना है मूलानुपाती सूत्र का अनुभार, मूलानुपाती सूत्र का अनुभार। तो कितना दिया हुआ है मूलानुपाती सूत्र? C2H4O दिया हुआ है, इसको निकालेंगे अनुभार तो 12 होता है कार्बन का, 2 अणु है, 12 × 24 प्लस कितना हाइड्रोजन का 1 होता है, अणु कितना है 4 है, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 है, अणु कितना है 1 है, तो आपको यह मिला जुला के मान आ जाएगा 44। यह हो गया मूलानुपाती सूत्र का अनुभार। अब जरा देखिएगा, यौगिक का अनुभार बराबर क्या होता है? चूंकि यौगिक का अनुभार बराबर फॉर्मूला होता है 2 × यौगिक का वाष्प घनत्व, क्लियर, 2 × यौगिक का वाष्प घनत्व। अब यौगिक का अनुभार आपको निकाल लेना है यहाँ से, तो बराबर 2 × वाष्प घनत्व दिया हुआ है 44, बराबर कितना आ गया 88, क्लियर 88 आ गया। अब आपको क्या निकालना है कि अनुभार जो आपको दिया हुआ है वो 88 आ गया, और यहाँ से एन का मान आपको निकाल लेना है। एन बराबर क्या होता है? तो अनुसूत्र, एन बराबर होता है अनुसूत्र, अनुसूत्र का अनुभार, क्लियर, अनुसूत्र का अनुभार बट्टा क्या होता है? मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र, क्लियर, मूलानुपाती सूत्र। तो अनुसूत्र का अनुभार आपको आया है 88, और बता मूलानुपाती सूत्र का अनुभार आया है 44, क्लियर। यहां से इसका मान आ गया 2, यानी कि एन का मान आ गया आपको 2। अब अनुसूत्र का फॉर्मूला क्या होता है जरा ध्यान दीजिएगा, अनुसूत्र निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है मूलानुपाती सूत्र गुना एन, मूलानुपाती सूत्र गुना एन, क्लियर। तो मूलानुपाती सूत्र आपको दिया हुआ कितना है? C2H4O दिया हुआ है, एन का मान कितना आया है? 2 आया है, यानी अगर इसमें हम 2 से गुना कर देंगे तो C4H8O2 आपका
सही आंसर आ जाता है अनुसूत्र बराबर। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी है कि वह क्या होना चाहिए। तो वित्त आयोग जो होता है प्रत्येक 5 वर्ष पर, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है, वित्त आयोग जो है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और यह सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति होता है जो अध्यक्ष होता है। अब जरा देखेंगे वित्त आयोग की संरचना, इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है, जिसकी नियुक्ति प्रत्येक 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं, 4 सदस्य होते हैं तथा एक सचिव होता है और एक आर्थिक सलाहकार होता है। क्लियर, वित्त आयोग के अध्यक्ष को उन व्यक्ति में से चुना जाता है जिस व्यक्ति को सार्वजनिक मामलों का खूब अनुभव होता हो। राज्य वित्त आयोग की चर्चा की अगर बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 243 के 1 में किया गया है, लेकिन केंद्र वित्त आयोग 280 अनुच्छेद में किया गया है। क्लियर है, वर्तमान समय की बात करें तो 15वां वित्त आयोग चल रहा है, इसके अध्यक्ष एनके सिंह है। अगर वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो सभी वित्त आयोग के अध्यक्ष को अभी तक आपको याद रखना है, पहला वित्त आयोग का केसी नियोगी, केशन थानाम, ए के चंदा, पीवी राजमन्नर, महावीर त्यागी, ब्रह्मदत्त रेड्डी, सीलत चौहान सालवे, पंत ने कुशरों का आशीर्वाद दिया रंगराजन को और विजय हो गए बाई बी रेड्डी, और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह है। क्लियर, सभी वित्त आयोग के अध्यक्ष को नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंसूर और माधव किसके दरबार के मुख्य चित्रकार थे। तो जहांगीर के दरबार को कहा जाता है मुगल काल का चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि जहांगीर जो था चित्रकला में बड़ा निपुण था और चित्रकला में बड़ा दिलचस्पी लेता था। इसके दरबार में कई चित्रकार रहते थे। जरा देख लीजिएगा, जहांगीर का जो राज्याभिषेक 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक यह मुगल साम्राज्य रहा था इसके अधीन, और इसके काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर के दरबार के मुख्य चित्रकार में आगा राजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, बिशन दास, मनोहर और गोवर्धन तथा फारूक बेग और दौलत थे। उस्ताद मंसूर को जहांगीर ने नासिर उल उस्र की उपाधि प्रदान की थी। नादिर उल उस्र की उपाधि उस्ताद मंसूर को जहांगीर के द्वारा प्रदान किया गया था। जहांगीर ने आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की भी स्थापना की थी। तो मंसूर और माधव ये दोनों के दोनों चित्रकार जो थे वो जहांगीर के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन किस देश द्वारा आयोजित एक आभासी शिखर सम्मेलन है। ये अमेरिका के द्वारा आयोजित एक आभासी शिखर सम्मेलन के तौर पर है। देखेंगे लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन है क्या, तो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा घर में लोकतंत्र को नवीनीकृत करने और विदेशों में निरंकुशताओं का सामना करने के लिए आयोजित किया एक आभासी शिखर सम्मेलन था। पहला शिखर सम्मेलन जो है वो 9 से 10 दिसंबर 2021 को आयोजित किया गया था। 3 विषय इसके लिए है, अधिनायकवाद के खिलाफ बचाव, दूसरा है भ्रष्टाचार को संबोधित करना, और तीसरा है भ्रष्टाचार को संबोधित करना और उससे लड़ना, और मानवाधिकारों के लिए सम्मान को आगे बढ़ाना। यही 3 विषय को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्र के लिए दूसरा शिखर सम्मेलन जो होगा वो मार्च 2023 में आयोजित तो हो चुका है, और यह संयुक्त राज्य अमेरिका, कोस्टारिका, जाम्बिया, नीदरलैंड और दक्षिण कोरिया द्वारा सह मेजबानी में किया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारवाही पशु लामा कहाँ पाए जाते हैं। भारवाही पशु मतलब भार को ढोने वाला पशु, लामा जो होता है वो भार को ढोने वाला पशु होता है। यह एंडीज पर्वत श्रेणी में पाया जाता है। लामा दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतों के वनों में पाया जाने वाला एक जीव होता है, और यह पालतू भी होता है। वहां के लोग निवासी जो होते हैं पालतू बनाते हैं, बोझा को ढोने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह अपने कुल वजन के 50% बोझा को एक स्थान से दूसरे स्थान कुछ दूरी तक ले जाया जा सकता है इसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुण्याग निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में प्रमुख निर्जातीय समूह में से एक है। तो पुण्याग जो है वो नागालैंड राज्य में पाई जाने वाली एक निर्जातीय समूह के रूप में शामिल किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड राज्य के नागा समुदाय का एक प्रमुख उप समुदाय है कोन्याक जनजाति। यह सभी नागा शाखाओं में सबसे बड़ा माना जाता है। कोन्याक अपने चेहरे पर गोदाई की स्याही से पहचाने जा सकते हैं, यानी गोदाई इसके चेहरे पर गोदाई किया हुआ रहता है स्याही से। ऐतिहासिक रूप से यह नागालैंड क्षेत्र के सबसे आक्रामक समुदायों में से एक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक एक्स तैयार किया जाता है। यह एक सफेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। यौगिक एक्स जो है वह क्या हो सकता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, निकालिएगा क्या हो सकता है।
तो एक्स यौगिक जो होगा ना वो एक प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा। क्यों प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा? क्योंकि जिप्सम को जब 393 केल्विन पर गर्म किया जाएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही निर्माण होता है, क्लियर। और जिप्सम को गर्म किया जा रहा है, क्लियर है। तो आपका सही आंसर तो निकल गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा। अब यहाँ पे रिएक्शन भी देख लेंगे, 2CaSO4 × 2H2O, 393 केल्विन पर अगर इसको गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर 393 डिग्री से ऊपर अगर गर्म किया जाएगा तो शुष्क कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होता है, और इस शुष्क कैल्शियम सल्फेट को मृत तापित प्लास्टर कहा जाता है, क्लियर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग की बात करें तो भवन के निर्माण में, टूटी हड्डियों के प्लास्टर करने में, सांचा बनाने में, दंत चिकित्सा में, मूर्तियों तथा अर्ध प्रतिमाओं बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहां जेल की दीवार फांद कर भागने में सफल हुए? तो हजारीबाग जेल से भाग गए थे और नेपाल के जंगलों में जाकर इन्होंने आजाद दस्ता का गठन किया था 9 अक्टूबर 1942 ईस्वी को, क्लियर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब 8 अगस्त 1942 ईस्वी को सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उसी दौरान हजारीबाग जेल से 9 अक्टूबर 1942 ईस्वी को भाग गए थे और नेपाल के जंगलों में भागकर आजाद दस्ता का गठन किया गया था और भूमिगत होकर भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व भी किया था, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्तमगा भूदान किसने प्रारंभ किया था? तो अल्तमगा भूदान जो है वो जहांगीर के द्वारा प्रारंभ किया गया एक भूदान व्यवस्था था। जहांगीर के द्वारा प्रारंभ की गई तैमूरी परंपरा, यह अल्तमगा भूदान व्यवस्था जो था वो एक तैमूरी परंपरा पर आधारित भूमिदान की परंपरा थी। यह विशेष शाही कृपा प्राप्त धार्मिक व्यक्ति को वंशानुगत रूप से दे दी जाती थी, यानी शाही कृपा जब होता था तो धार्मिक व्यक्तियों को वंशानुगत रूप से इसे दे दिया जाता था। इसे विशेष परिस्थिति में शाही आदेश द्वारा ही रद्द किया जा सकता था। यह मदद ए मास के अनुरूप होती थी। मदद ए मास क्या था? तो इसे सयुगर या इसे सयुगल या मिल्क या अमलाक भूमि के नाम से मदद ए मास को जाना जाता था। यह भूमि दान अस्थायी एवं वंशानुगत होता था, यह स्थानांतरित नहीं हो सकता था, यानी एक व्यक्ति को दिया गया तो यह दूसरे व्यक्ति को दे नहीं सकता है, क्लियर। वंशानुगत भूमि दान होता था मदद ए मास को। ठीक इसी तरह व्यवस्था अल्तमगा भूदान आंदोलन का था, भूदान का, क्लियर, जो जहांगीर के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुकियों के यकृत कोशिकाओं में एसईआर द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? अब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसईआर के द्वारा कौन सा काम किया जाता है? कहां? लीवर में। अब यहां पर क्वेश्चन देखिए कितना क्रिटिकल क्वेश्चन है, कितना जटिल क्वेश्चन है, देखने में इजी लग रहा है। यकृत कोशिका में स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा महत्वपूर्ण कार्य क्या किया जाता है? तो यकृत कोशिका में औषधि और विष के निरावरण के लिए एसईआर का प्रयोग किया था। हालांकि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम लिपिड का संश्लेषण करना भी, प्रोटीन का संश्लेषण करना नहीं होता है, केवल जटिल शर्करा का भी संश्लेषण करना होता है। लेकिन क्वेश्चन पूछा यकृत कोशिका में एसईआर का क्या काम होता है, तो औषधि और विषों का निरावेशन करना ही काम होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। आपको याद होगा कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके दीवारों पर राइबोसोम नहीं पाया जाता है, चिकनी सतह होता है, राइबोसोम नहीं पाया जाता है, उसे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और जिसकी दीवारों पर, जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दीवारों पर राइबोसोम पाया जाता है उसे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम जो होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है, जबकि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है लिपिड का संश्लेषण करना, कार्बोहाइड्रेट उपापचय करना, कैल्शियम का एकत्रीकरण करना तथा इसके बाद नियमन एवं दवा विष हरण के रूप में काम करता है। तो लीवर कोशिका में यह केवल विष हरण के रूप में काम करता है, क्लियर। और इस स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है, चार्ल्स गार्नियर ने इसकी खोज की थी, फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स गार्नियर ने स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो के साथ मिलान करना है, मुंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो मुंडा जनजाति जो है वो झारखंड में पाई जाती है। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में पाई जाती है। खासी जनजाति कहाँ पाई जाती है? मेघालय में पाई जाती है। और भील जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो आपका सही आंसर मिलता है क्या? सही आंसर मिलता है 3, दूसरा का 1, तीसरा का फिर हो जाएगा 4, 3, 1, 4, 2, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, क्लियर। अब जरा देख लेते हैं तमिलनाडु की प्रमुख जनजाति कौन कौन सी है। बड़गा जनजाति है, टोडा
तोड कोटा जनजाति है, कोटा जनजाति है और तोडा जनजाति, ये सभी तमिलनाडु में पाई जाने वाली जनजाति होती है। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति भील, लंबाड़ी, बंजारा, बोंड, मुरिया, बैगा, कोल तथा मुंडा जनजाति है। झारखंड की प्रमुख जनजाति संथाल है, मुंडा है, हो जनजाति है, उराव जनजाति है, बिरहोर, कोरवा, असुर, भुइया, बोंड, सोया तथा भूमि जनजाति झारखंड में पाई जाती है। इसके अलावा मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया तथा मिति जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में कितने अनुसूची को शामिल किया गया था? तो कुल 6 अनुसूची को शामिल किया गया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में। देख लेंगे कौन कौन अनुसूची था और उस अनुसूची के तहत क्या प्रावधान है। तो अनुसूची फर्स्ट जो है, इस अनुसूची में उन लुप्त प्राय प्रजातियों को शामिल किया गया है जिन्हें सर्वाधिक सुरक्षा की आवश्यकता है, पहला सूची में उनको शामिल किया गया है। दूसरे सूची में ऐसे जानवरों को शामिल किया गया है जिसमें उनके व्यापार पर प्रतिबंध आदि शामिल किया गया है। तीसरे और चौथे अनुसूची में वैसे जानवरों को शामिल किया गया है या वैसे प्रजातियों को शामिल किया गया है जो संकटग्रस्त नहीं है, उन्हें अनुसूची 3 और 4 में शामिल किया गया है जो संकटग्रस्त नहीं है। अनुसूची 4-5 में ऐसे पौधों को शामिल किया गया है जो निर्दिष्ट पौधे की खेती की विनियमित करता है और उनके कब्जे, बिक्री और परिवहन को प्रतिबंधित करता है। कहने का मतलब है कि खेती आप कर सकते हैं, उस पौधे की खेती कर सकते हैं, लेकिन ऐसे पौधों को शामिल किया जाता है जिसमें खेती उस पौधों की कर सकते हैं लेकिन उनके उन पर कब्जा करना, उसको बिक्री करना, उसके परिवहन के लिए यूज करना, ये सब प्रतिबंधित किया गया। ऐसे पौधों को सूची 4 में शामिल किया गया है। अनुसूची 5 में शामिल किया गया पौधों को। अनुसूची 6 में निर्दिष्ट पौधों की खेती को विनियमित करता है और उनके कब्जे, बिक्री और परिवहन को प्रतिबंधित करता है। क्लियर? तो कुल 6 अनुसूची को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? तो पर्दे पर प्राप्त होने के लिए प्रतिबिंब का वास्तविक होना बड़ा जरूरी होता है। तो वास्तविक जहां भी होगा पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है, वास्तविक और बड़ा और वास्तविक और छोटा, तो 1 और 2 जो होगा वो आपका सही होगा। क्लियर? इन दोनों को, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है लेकिन काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। देखेंगे पर्दे पर प्राप्त करने वाले प्रतिबिंब के क्या गुण होते हैं। तो वास्तविक होना चाहिए, बड़ा है, वास्तविक और छोटा है। क्लियर? वास्तविक होना चाहिए। वास्तविक प्रतिबिंब के क्या गुण होते हैं भाई? तो यह उल्टा होगा, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकने वाला होगा तथा प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बाद वास्तविक रूप से मिलने से बनता होगा। वास्तविक प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण और उत्तल लेंस के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है? जरा देखिएगा, उत्तराखंड सरकार के द्वारा ऑप्शन नंबर बी, 16 अगस्त 2022 को उत्तराखंड के प्राथमिक स्कूलों में बच्चों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, तत्कालिक मुख्यमंत्री ने डिटोल स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके लिए प्रदेश के शिक्षा विभाग और उपभोक्ता स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य से स्वच्छता क्षेत्र की दिग्गज कंपनी रैकेट के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह कार्यक्रम उत्तराखंड के सभी 13 जिलों के 13,000 प्राथमिक विद्यालयों में संचालित किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, आप ये भी ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस, फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। यूनेस्को की स्थापना की बात करें तो 16 नवंबर 1945 ईस्वी को यूनेस्को की स्थापना होती है। यूनेस्को का पूरा रूप होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को में वर्तमान समय में कुल 195 सदस्य देश है तथा उसमें 11 सहयोगी देश है। यूनेस्को के गठन का उद्देश्य है शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है और इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात किया जाए तो आंद्रे अजोलो है, भारत इसका संस्थापक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर का वार्षिक तापांतर सबसे अधिक होता है? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार त्रिवेंद्रम जो है उसका तापांतर जो है वो सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिष्कृत औजारों का युग किसे माना जाता है? तो नव पाषाण काल में परिष्कृत मतलब पेंट किया हुआ औजार जो यूज हुआ था नव पाषाण काल में ही यूज हुआ और औजार का प्रयोग जो है पूरा पाषाण काल से ही मानव करता आया है। वैसे धातु का औजार नहीं लेकिन पाषाण औजार का ही प्रयोग किया जाता था पूरा पाषाण काल में, लेकिन नव पाषाण काल आते आते तक धातु के औजार का प्रयोग हुआ
और परिष्कृत मतलब पेंट किए हुए धातु के औजार का प्रयोग करना मानव ने शुरू किया नवपाषाण काल में। क्लियर। नवपाषाण काल जो है वैसे तो पूरे विश्व में नवपाषाण काल की शुरुआत तकरीबन 9000 ईसा पूर्व मानी जाती है, लेकिन भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का विकास 4000 BC के लगभग हो गया था। नवपाषाण कालीन संस्कृति अपने पूर्वगामी संस्कृति की अपेक्षा अधिक विकसित थी। पूर्वगामी संस्कृति का मतलब मध्य पाषाण काल और पूर्व पाषाण काल। क्लियर। इसकी तुलना में नवपाषाण काल ज्यादा विकसित थी। इस काल में मनुष्य ने अपने औजार तथा हथियारों पर पॉलिश करना प्रारंभ कर दिया था, उसी को परिष्कृत औजार कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का प्रयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है? अब जरा देखिएगा तो इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों में किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों का प्रयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी करने में किया जाता है। क्लियर। देखेंगे सिल्वर क्लोराइड एवं सिल्वर ब्रोमाइड दोनों का प्रयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश संवेदी होते हैं, इसीलिए किया जाता है क्योंकि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड जो होते हैं वो प्रकाश संवेदी होते हैं, अतः प्रकाश ब्रोमाइड पर जब पड़ता है तो ये विघटित हो जाते हैं जिससे फोटोग्राफी संभव हो पाता है। AgCl, AgBr, AgF और AgI ये सभी प्रमुख सिल्वर हाइलाइट्स के रूप में जाने जाते हैं। इसका प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है जिसमें सिल्वर हाइलाइट्स एक तरफ दिया हुआ है दूसरी तरफ उसका उपयोग दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग दवाई बनाने में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने में और दर्पण के पिछले भाग को पॉलिश करने में किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने में, एंटीसेप्टिक के रूप में तथा मौसम परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड की बात करें तो फोटोग्राफी करने में, अवरक्त किरण को रोकने में तथा अर्धचालक के रूप में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट की बात करें तो बोटिंग इंक के रूप में तथा काली स्याही के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में स्थित विश्वविद्यालय खुदाबख्श लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई थी? 1891 ईस्वी में खुदाबख्श लाइब्रेरी की स्थापना पटना में की गई थी जो विश्वविख्यात है। क्लियर। किंतु अब ध्यान दिया जाए तो 1891 ईस्वी में बिहार के प्रसिद्ध सपूत खान बहादुर खुदाबख्श के द्वारा जनता के लिए इसे खोल दिया गया था। स्थापना पहले ही हुआ था लेकिन 1891 ईस्वी में खान बहादुर खुदाबख्श के द्वारा इसे जनता के लिए खोल दिया गया था। इसमें कुल 4000 पांडुलिपियां थी जिनमें से 1400 उन्होंने अपने पिता से विरासत में प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबीनी तथा महोगनी वृक्ष जो है वो किससे संबंधित है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की वृक्ष जो होती है वो इबीनी, महोगनी, रोजवुड, आयरनवुड ये सभी वृक्ष होती है। अब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की बात करें तो यह वन का विस्तार दोनों ही गोलार्धों में 10 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाता है। इस क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के वृक्ष की प्रजाति पाई जाती है जिसके कारण यह वन हमेशा हरा भरा रहता है, इसलिए इसे सदाबहार वन कहा जाता है। इस वन का आर्थिक दोहन बहुत ही कम हो पाया है क्योंकि इस वन के वृक्ष की लकड़ियां काफी कठोर होती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को अमेजन नदी घाटी में सेल्वास के नाम से जाना जाता है, ये काफी इम्पोर्टेंट है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। इस वन में महोगनी, आबनूस, रोजवुड, आयरनवुड, गट्टा पाचा, रबर तथा इबोनी नामक पौधा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का पूरा रूप होता है। अब जरा देखिएगा, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम या रिट्रो वायरस के कारण फैलता है और यह एक स्ट्रैंडेड वायरस होता है। यह रोग से ग्रसित व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त कर देता है। इस रोग में रोगी का शरीर जगह जगह से फूल जाता है तथा रक्त प्रवाह अव्यवस्थित हो जाती है। एड्स रोग का पता लगाने हेतु एलिसा टेस्ट का प्रयोग यानी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्वेंट एशे, एलिसा जिसका पूरा रूप होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। एलिसा टेस्ट का प्रयोग किसके लिए? एड्स की जांच के लिए किया जाता है। क्लियर। और एलिसा का पूरा रूप पूछेगा तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्वेंट एशे होता है। इसके उपचार में उपयोग होने वाला दवा के रूप में रवाबाइरिन, अल्फा इंटरफेरॉन तथा AZT का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष क्या होती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष जो होती है वो जुलाई से जून तक मापा जाता है RBI का, जबकि भारत सरकार का लेखा वर्ष जो वित्तीय वर्ष कहा जाता है भारत सरकार का, वो अप्रैल से मार्च तक होता है। ये भारत सरकार का होता है, भारत सरकार का अप्रैल से मार्च तक, जबकि RBI का जो होता है वो होता है जुलाई से जून तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज इसमें से नहीं है?
तो कंप्यूटर लैंग्वेज फोर्ट्रन है, जावा है, कोबोल है, लेकिन सी प्लस प्लस तो है लेकिन सी टेट्रा प्लस है, चार प्लस है। तो यह सी चार प्लस कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। जरा ध्यान दीजिएगा, फोर्ट्रन पहली उच्च स्तरीय भाषा फोर्ट्रन है जिसका विकास 1957 ईस्वी में आईबीएम कंपनी के जॉन बेकस ने किया था। यह बीजगणितीय पर आधारित प्रोग्रामिंग भाषा होती है। जावा की बात करें तो यह उच्च स्तरीय भाषा का विकास जावा एक उच्च स्तरीय भाषा है और इसका विकास सन माइक्रो सिस्टम के जेम्स गैसलिंग के द्वारा किया गया था। कोबोल की बात करें तो यह भाषा का प्रयोग व्यवसाय में किया जाता है। इसका पूरा रूप कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। सी प्लस प्लस की बात करें तो यह उच्च स्तरीय भाषा का विकास सन 1972 ईस्वी में बेल लेबोरेटरीज के डेनिस रिची तथा ब्रायन करिनिंघम द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित इसमें से किया हुआ है? तो जरा ध्यान दीजिएगा, सही सुमेलित इसमें से कौन सा किया हुआ है? जय प्रकाश नारायण जो है वो भागलपुर, कोई संबंध इनका नहीं था। राजेंद्र प्रसाद दरभंगा से, कोई संबंध नहीं था। चुनचुन पांडे पाटलिपुत्र, कोई संबंध नहीं। कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य जो है इनका संबंध जो है वो राजग्रह से रहा था, क्योंकि राजग्रह में जो है वो पाटलिपुत्र राजधानी तो बाद में बनी, पहले मगध की राजधानी राजग्रह थी या ग्रेव्रत थी, तो इसका किसी न किसी तरीका से संबंध कौटिल्य का राजग्रह से रहा है। हालांकि कौटिल्य जो थे वो तक्षशिला विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी जाने जाते हैं। क्लियर, आचार्य थे, तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। जरा देखिएगा, जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को सारण जिला के सिताब दियारा गांव में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को जीरादेई सीवान में बिहार में हुआ था। चुनचुन पांडे का संबंध बिहार के भागलपुर जिला से था, जिसने 1905 ईस्वी से लेकर 1917 ईस्वी के बीच अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। कौटिल्य तक्षशिला के आचार्य थे जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, तक्षशिला। क्लियर, लेकिन इनका संबंध जो है वो राजगीर के क्षेत्र से या मगध के क्षेत्र से रहा था। तो यही कथन आपका सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धारावाही परिनालिका के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सही दिया हुआ है? कथन तीन आपको दिया हुआ है धारावाही नालिका परिनालिका के बारे में। इसका प्रयोग मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। धारावाही परिनालिका जो होता है वह इस रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर, तो इसका प्रयोग मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। यह क्षण चुंबक की भांति कार्य करता है। यह क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रित वृत्त होती है, क्या आपको सही इसमें दिया गया है? तो क्षण चुंबक की भांति भी यह कार्य करता है, क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रित वृत्त की तरह होती है। ये कथन आपको गलत दिया हुआ है। जरा देखिएगा, परिनालिका यानी सोलेनोइड या स्प्रिंग के समान बनाए गए तार की संरचना होती है। स्प्रिंग का समान का मतलब इस तरीका से बनाया हुआ होता है या किसी आधार पर लिए होते हैं। इसके भीतर चुंबकीय या अचुंबकीय प्रोड पाए जाते हैं। इसके अंदर संपूर्ण अक्ष पर लगभग समान चुंबकीय क्षेत्र जबकि बाहरी चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। कहने का मतलब है अंदर जो होता है इसका संपूर्ण अक्ष पर लगभग समान चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है या समान चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, जबकि बाहर जो होता है चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। परिनालिका का उपयोग जो होता है वह इलेक्ट्रॉनिक पिटवॉल मार्कर में किया जाता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में किया जाता है, ईंधन इजेक्टर में किया जाता है, हाइड्रोलिक वाल्व में किया जाता है तथा गाड़ियों को स्टार्ट करने वाली परिनालिका में धारावाही परिनालिका का प्रयोग किया जाता है। क्लियर, तो एक और दो आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल त्रासदी का संबंध किससे है? तो ब्लैक होल त्रासदी के पश्चात प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। अब जरा देखेंगे ब्लैक होल त्रासदी क्या था। ब्लैक होल दुर्घटना जो है वो युद्ध की आम प्रणाली के अनुसार फोर्ट विलियम के 146 बंदियों को 20 जून 1756 ईस्वी की रात 18 फुट लंबे, 14 फुट और 10 इंच चौड़े कमरे में बंद कर लिया गया। इन बंदियों में महिलाएं एवं बच्चे भी शामिल थे। 21 जून की सुबह इनमें से सिर्फ 23 व्यक्ति ही जीवित बचे थे। सोच लीजिए कि 28 फुट लंबा और 14 फुट 10 इंच चौड़ा
एक कमरा था जिसमें 146 बंदियों को कैद कर दिया गया था 20 जून 1756 ईस्वी को। किसके द्वारा? सिराजुद्दौला के द्वारा। ब्लैक होल की दुर्घटना ने ही प्लासी के युद्ध की नींव डाली, जो कि 23 जून 1757 ईस्वी को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 20 मील दूर नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में लड़ा गया था। इस युद्ध में एक ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी तो दूसरी ओर थी बंगाल के नवाब की सेना। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। क्लियर। यही था प्लासी की लड़ाई और ब्लैक होल की त्रासदी। तो प्लासी की लड़ाई सन 1757 ईस्वी में 23 जून के लड़ा गया था, लेकिन ब्लैक होल की दुर्घटना 20 जून 1756 ईस्वी को। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का क्या अर्थ होता है? तो शून्यकाल का मतलब होता है प्रश्नकाल के बाद के काल को शून्यकाल कहा जाता है। प्रश्नकाल के अंत और कार्य सूची में लिखे दूसरे विषयों के बीच का मध्य अंतर जो होता है उसे ही शून्यकाल कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, संसद की कार्यवाही 11 बजे से प्रारंभ होती है, पहले काल को प्रश्नकाल कहा जाता है, दूसरे काल को शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल जो है संसदीय शासन प्रणाली में भारत की देन माना जाता है। भारतीय संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का जन्म 1962 ईस्वी में हुआ था। शून्यकाल की अवधि संसद में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय अर्थात 12 बजे से लेकर 1 बजे तक के घंटा को कहा जाता है। हालांकि इसकी वास्तविक अवधि जो है वो स्पीकर की अनुमति पर निर्भर करती है। सामान्यतः 12 से 1 बजे तक के काल को कहा जाता है शून्यकाल। इसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया है? तो ब्रिटेन के संविधान से अंगीकृत किया है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। अब ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट क्या है जरा समझिएगा। भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजयी का प्रावधान ब्रिटेन संविधान के संविधान से अंगीकृत किया गया है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट क्या है? एक पीपीपी सिस्टम में जो उम्मीदवार अधिकतम मत प्राप्त करता है वह चुनाव में विजयी प्राप्त होता है। यही होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। क्लियर है। FPPP यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को सबसे सरल चुनाव प्रणाली माना जाता है। FPPP में मतदाताओं को लोगों और दलों के मध्य चयन करने की अनुमति प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? 73वां संवैधानिक संशोधन 1993 ईस्वी के तहत दिया गया था। अब ध्यान दीजिएगा, 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 ईस्वी में पारित किया गया था और यह 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू हो गया। ध्यान रखिएगा, 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू हो गया। इसी अधिनियम के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 73वां संवैधानिक संशोधन को सर्वप्रथम लागू करने वाला राज्य मध्य प्रदेश था। यानी जब इसे संवैधानिक पंचायती राज व्यवस्था को जब संवैधानिक दर्जा मिला, आप क्वेश्चन के प्रारूप को समझिएगा, पंचायती राज्य व्यवस्था को सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में 1959 ईस्वी में 2 अक्टूबर के दिन लागू किया गया था। क्लियर है। लेकिन पंचायती राज्य व्यवस्था को जब संवैधानिक दर्जा दे दिया गया तब इसे लागू करने वाला पहला राज्य जो बना वो मध्य प्रदेश बना। भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था को त्रिस्तरीय स्वरूप प्रदान किया गया है जिसकी सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया जाता है। भारत में प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज व्यवस्था दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो ये दर्पण पर अभिलंब पर होता है। गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष, अब देखेंगे गोलीय दर्पण एक बना लीजिए, ये अगर गोलीय दर्पण है तो इसके मुख्य अक्ष को कहा जाता है, ठीक बीचों बीच से गुजरती है मुख्य अक्ष। क्लियर। तो दर्पण पर अभिलंब होता है, दर्पण पर अभिलंब होता है। जाहिर सी बात है कि अभिलंब है, दर्पण पर तो अभिलंब है ही। क्लियर। दूसरा बात, आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, कोई जरूरी नहीं है। मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर होता है। हाँ, अब देखेंगे कि मुख्य अक्ष क्या होता है, तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, यह किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें जो बिना किसी परावर्तन के सीधे गुजर जाती है, इसी को मुख्य अक्ष कहा जाता है। जबकि फोकस किसी गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर चलती हुई, अब जैसे यह फोकस, यह चल रहा है, प्रकाश चल रहा है और दर्पण से टकराया, और टकराने के पश्चात परावर्तन के पश्चात प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से यह जाकर क्रॉस होगा, जिस बिंदु पर काटती है, उसी को उसका मुख्य फोकस कहा जाता है। क्लियर। तो आपका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी,
एक और तीन दोनों कथन जो है वो सही होगा मुख्य अक्ष के बारे में कि यह दर्पण पर अभिलंब होता है और मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर ही स्थित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? महबूब उल हक के द्वारा मानव विकास सूचकांक को तैयार किया गया था, HDR ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को तैयार करने का काम 1990 ईस्वी में पाकिस्तानी अर्थशास्त्र महबूब उल हक और भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के द्वारा किया गया था। मानव विकास रिपोर्ट HDR जो है वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा प्रकाशित एवं वार्षिक मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी करता है। क्वेश्चन आपसे पूछता है मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार को उसके कानूनी विषयों पर परामर्श देने का काम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान न्यायवादी करता है, और इस महान न्यायवादी की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया। महान न्यायवादी की चर्चा, क्वेश्चन आपसे है कानूनी विषय पर परामर्श देता है महान न्यायवादी, क्लियर। इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के 2 में कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगा, भारत सरकार को अगर ऐसा लगा कि कानूनी विषय पर परामर्श लेने की जरूरत है, तो कानूनी परामर्शदात्री के रूप में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का महान न्यायवादी भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श देगा, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के 2 में कहा गया है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीविका बिहार सरकार की एक पहल है जिसका संबंध गरीबी उन्मूलन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। देखेंगे, जीविका बिहार सरकार की एक पहल है जिसका संबंध गरीबी उन्मूलन से, इस परियोजना को बिहार में 38 जिले के कुल 534 प्रखंडों के विभिन्न चरणों में संचालित किया जाता है। जीविका को 2006 में 5 जिला मुजफ्फरपुर, नालंदा, मधुबनी, पूर्णिया और गया के 5 गांव में एक पायलट के रूप में शुरू किया गया परियोजना था, क्लियर। यानी जीविका की शुरुआत 2006 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखेंगे, संसद के संयुक्त अधिवेशन की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया, जो राष्ट्रपति द्वारा 3 परिस्थिति में बुलाई जाती है। तीनों परिस्थिति में से कोई भी एक परिस्थिति होगा तो संयुक्त अधिवेशन की चर्चा किया गया है। पहला क्या है, किसी अधिवेशन किसी विधेयक पर दोनों सदनों में अगर मतभेद हो जाए, यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों में मतभेद हो जाए, तो ऐसी स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। दूसरी बात, विधेयक पर किए जाने वाले संशोधनों के बारे में अगर दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हो, तो ऐसी स्थिति में भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। तीसरी बात, दूसरे सदन को विधेयक पारित होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 मास से अधिक बीत गए हो, यानी कि अगर एक सदन विधेयक को पास कर दिया, दूसरा सदन में गया है और उसे दूसरा सदन 6 महीना तक अपने पास रख लिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, तो ऐसे तीनों में से कोई एक परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है अनुच्छेद 108 का प्रयोग करके। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर के द्वारा ही किया जाता है। अध्यक्ष अगर अनुपस्थित होगा तो लोकसभा का उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा, और अगर उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा के उपाध्यक्ष द्वारा बैठक की अध्यक्षता की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोग ने केंद्र सरकार केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया है? तो सरकारी आयोग जो है वो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। अब जरा देखेंगे, सरकारी आयोग का गठन जो है वो 9 जून 1983 ईस्वी को किया गया था। इसका कार्य भारत के केंद्र राज्य संबंधों में संबंधित शक्ति संतुलन पर अपनी संस्तुति देना था। यानी सरकारी आयोग का गठन 9 जून 1983 ईस्वी में किया गया था केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध का अध्ययन करने के लिए। ठक्कर आयोग क्या था? तो ठक्कर की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग इंदिरा गांधी की हत्या की जांच करने और सुरक्षा एवं चिकित्सा कर्मचारियों द्वारा चूक का पता लगाने और विदेशी एजेंसियों की संभावित भागीदारी का पता लगाने के लिए ठक्कर आयोग का गठन किया गया था। शाह आयोग का गठन 1977 ईस्वी में भारतीय आपातकाल में की गई सभी ज्यादतियों की जांच करने के लिए किया गया था। मंडल आयोग क्या था? तो मंडल आयोग 1979 ईस्वी में सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने के उद्देश्य किया गया था। इस आयोग का नेतृत्व भारतीय सांसद बीपी मंडल द्वारा किया गया था, क्लियर है, और इसी के तहत ओबीसी को आरक्षण भी प्रोवाइड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जरा ध्यान दीजिएगा, आर्थिक सर्वेक्षण एक प्रमुख वार्षिक दस्तावेज है जो भारतीय दस्तावेज की स्थिति की समीक्षा करता है। बजट पेश किए जाने से एक दिन पहले यह सर्वे संसद में पेश किया जाता है
भारत का आर्थिक सर्वेक्षण हर साल वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 1950 से 51 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था और वर्ष 1964 ईस्वी तक इसे केंद्रीय बजट के साथ पेश किया जाता था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अधिसंरचना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? सामाजिक अधिसंरचना के अंतर्गत किसको नहीं शामिल किया गया है? तो इसके अंतर्गत तार संचार को शामिल नहीं किया गया है। देखिएगा, सामाजिक अधोसंरचना क्या है, यानी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर किसे कहते हैं? तो सामाजिक अधोसंरचना जो है वो मानव संसाधन का विकास करने एवं मानव पूंजी निर्माण करने में सहायक होती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा आदि इसके अंग होते हैं। इनसे समाज को कुशल, निपुण एवं स्वस्थ जनशक्ति प्राप्त होती है। इससे कार्य क्षमता बढ़ती है, जिससे प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र में उत्पादन तेजी से बढ़ता है। सामान्यतः तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलाप को इसके अंतर्गत सामान्यतः हमने कहा, ऐसा नहीं कि एकदम कंटिन्यूअसली, सामान्यतः कुछ अपवादों को अगर छोड़ दिया जाए तो तृतीय क्रियाकलाप के विषय वस्तु को इसमें शामिल, सामाजिक अधिसंरचना में शामिल नहीं किया जाता है। क्लियर है। इसके अंतर्गत दूर संचार, सड़क, रेलवे और ऊर्जा, इन सभी को सामाजिक अधोसंरचना में शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार क्या है? तो वैश्वीकरण के पीछे जो मुख्य विचार है वह है आपका आपसी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए समस्त आंतरिक समुदाय के साथ कार्य करना। देखेंगे, वैश्वीकरण से आशय देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना होता है, जिसमें पूंजी, तकनीक, सूचनाओं का आदान प्रदान तथा सेवाओं का विनिमय आदि शामिल होता है। वैश्वीकरण के तहत आपसी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत किस देश को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित करेगा? तो बांग्लादेश को आमंत्रित करता है। क्लियर। अतिथि देशों को आमंत्रित करने की G20 परंपरा के अनुसार भारत बांग्लादेश को अपनी अध्यक्षता के दौरान G20 बैठक में भाग लेने के लिए अतिथि देश के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। बांग्लादेश के अलावा भारत, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE को भी अतिथि देश के रूप में आमंत्रित करेगा। G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में होगा और इसके समापन के दौरान नई दिल्ली में, G20 शिखर सम्मेलन भारत के नई दिल्ली में होना है और समापन के दौरान भारत 2024 के लिए G20 की अध्यक्षता दक्षिण अमेरिका देश ब्राजील को सौंपेगा। क्लियर। यानी 2024 में जो G20 शिखर सम्मेलन होगा वो ब्राजील में होगा और इसे सौंपने का काम भारत करेगा नई दिल्ली में, जब समापन समारोह वो होगा 2023 का G20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30वां राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तो मध्य प्रदेश में यह आयोजित किया गया है। ध्यान दीजिएगा कि भारत सरकार का पंचायती राज मंत्रालय मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से 24 अप्रैल 2023 को मध्य प्रदेश के रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस NPRDA आजादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में सरकार के समग्र दृष्टिकोण यानी समावेशी विकास को अपनाने के साथ मनाया गया है। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिए जाने के बाद मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां पंचायती राज व्यवस्था को 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू किया गया था। भारत सरकार के द्वारा हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन इसे संवैधानिक दर्जा मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा ग्रीन डिपॉजिट की स्वीकृति के लिए एक नया ढांचा जारी किया है, यह ढांचा किस तारीख से लागू होगा? तो यह ढांचा जो है वो लागू होगा 1 जून 2023 से लागू किया जाएगा, जिसके तहत अगर आप अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो आपके लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी रेगुलेटेड संस्थाओं द्वारा ग्रीन डिपॉजिट योजना की मंजूरी के लिए एक फ्रेमवर्क जारी किया है। केंद्रीय बैंक ने एक नोटिफिकेशन में कहा है कि यह फ्रेमवर्क 1 जून 2023 से होगा लागू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किस विभाग के लिए एक एकीकृत पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया है? तो केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो को लॉन्च किया है। आप ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एकीकृत पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया है। जरा ध्यान दीजिएगा, केंद्र सरकार ने 11 अप्रैल 2023 को केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो का एकीकृत पोर्टल को लॉन्च किया। इस पोर्टल का शुभारंभ राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने किया है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स एक केंद्र सरकार का संगठन होता है जो विभिन्न संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों और NDPS अधिनियम 1985 के प्रावधान के तहत मादक दवाओं,
मलह प्रभावी पदार्थों और अग्रदूत रसायनों के अंतर्गत व्यापार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो है वो 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी और इरविन के बीच हुआ था। 5 मार्च 1931 ईस्वी को लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ था, जिसे ही गांधी इरविन समझौता के नाम से भी जाना जाता है या गांधी इरविन पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? तो फ्रेंड, ये 50 क्वेश्चन का सीरीज आपको रिविजन में कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसको शेयर कीजिएगा। PDF इसका ले लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से जुड़कर। आज की सेवा को देते विराम, फिर मिलेगा अगले से प्रैक्टिस में। बहुत बहुत धन्यवाद।